हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। मैं आज आपके लिए एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए 40 क्वेश्चंस लेकर आई हुई हूँ। और इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड कर रखे हैं 30-30 क्वेश्चंस के, सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उन्हें ज़रूर देख लें, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट होती है, ईस्ट कैसी होती है? ये सैप्रोफाइट होती है, ठीक है। सैप्रोफाइट पैरासाइट आपको पता ही होगा, जो दूसरों पर, पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे जीव जंतुओं पर अपना जीवन यापन करते हैं, फूड वगैरह उन्हीं से लेते हैं। और सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म पर अपने डेड ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं या अपनी लाइफ साइकिल उन्हीं डेड ऑर्गेनिज्म पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट की कोशिका, इसका तो सही आंसर है फर्स्ट का, सैप्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट की कोशिका में मुख्य एंजाइम पाया जाता है, तो ईस्ट की कोशिका में होता है जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी फंजाई होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल रहित, क्योंकि फंजाई में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और फूड नहीं बनाते, तभी इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंजाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वही, फंजाई आमतौर पर कैसे होते हैं? पैरासाइट्स या सैप्रोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस प्रायः किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइजोपस को हम ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी फफून खाई जाती है? तो हम लोग क्या खाते हैं? एगेरिकस को खाने में एडिबल फॉर्म में यूज़ करते हैं। कैरियोप्सिस किस फल का उदाहरण है? ये गेहूँ का उदाहरण है, गेहूँ के फल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म के रंग पर तुरंत या सीधा प्रभाव पराग का पड़ता है, वह कहलाता है जीनिया। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंडोस्पर्म के रंग पर तुरंत या सीधा प्रभाव पराग का पड़ता है, वह क्या कहलाता है? जीनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक के बाहर पड़े बीज चोल या पेरिकार्प के गुणों पर पराग के प्रभाव को क्या कहते हैं? मेटाजीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वृक्ष कहा जाता है, राजस्थान राज्य वृक्ष कहा जाता है क्या? राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है उसको क्या कहा जाता है? खेजड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरीय संवहन मंडल पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? अरीय संवहन मंडल का मतलब क्या होता है? इसे हम इंग्लिश में रेडियल बंडल भी, रेडियल वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, तो ये किस में होते हैं? जड़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधा जिसमें बीज होते हैं परंतु फल नहीं लगते हैं, तो इसका सही आंसर होगा साइकस। साइकस ऐसा पौधा है जिसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक होता है? तो इसका सही आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल, या इसको हम लोग एब्सिसिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगार अगार प्राप्त किया जाता है किससे? रेड सहवाल या जेलीडियम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, 64 कोशिकाओं के बनने से एक कोशा को कितनी बार समसूत्री विभाजन करना पड़ता है? तो इसको 6 बार विभाजित होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली भारत में सर्वाधिक कहाँ पैदा की जाती है? तो मूंगफली भारत में सर्वाधिक गुजरात में पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर किसके जड़ किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है वर्तिका और वर्तिकाग्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीगोल्ड किस कुल का पौधा है या गेंदा किस कुल का पौधा है? कंपोजिटी कुल का पौधा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम अथवा मार्फिन ड्रग किसके बिना पके दूध से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा पेपावर सोमेनिफेरम। इस कुल के जो भी प्लांट होते हैं उनसे जो लेटेक्स निकलता है वो दूध के जैसा देखने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संश्लेषण अथवा द्विगुणन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही आंसर होगा रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से ये क्या होता है? इसका संश्लेषण अथवा द्विगुणन जो डीएनए का होता है वो रेप्लिकेशन के द्वारा होता है। आरएनए किस में अनुपस्थित होता है? तो आरएनए किस में होता है? प्लाज्मा लेमा में नहीं होता है। प्लाज्मा लेमा क्या होती है? एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो सेल को कवर करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक फाइबर में नहीं पाया जाता है या रेशा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग क्या है? एक फ्लोरल
बड है, लॉन्ग क्या है, एक फ्लोरल बड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्निन प्रमुख घटक होता है किसका, काष्ठीय ऊतकों का, जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उनके लेयर पे या उनकी पहली लेयर पे लिग्निन का जमाव होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम बने होते हैं किससे बनते हैं, ये प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स के गैमीट में फ्लैजिला की संख्या होती है, कितनी होती है, चार होती है। यूलोथ्रिक्स का जो गैमीट होता है उसमें फ्लैजिला की संख्या चार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदार या आग का परिपक्व फल है, मदार या आग का परिपक्व फल है, आंसर है इसका सिलिकुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकुआ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास या पाइन एप्पल का फल उदाहरण है किसका, इसका आंसर होगा सोरोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा नागफनी, क्योंकि बाकी सभी क्या हैं, कीट भक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीट भक्षी पौधा है, तो इसका सही आंसर होगा डायोनिया या वीनस फ्लाई ट्रैप भी हम इसे बोलते हैं, डायोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधा कौन सा है, तो जो ज्वार होता है वो किस तरह के पौधे में आता है, C4 पौधे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधे की श्रेणी में आता है तो कौन है, बाजरा, जो C3 की श्रेणी में आएगा वो क्या होगा, सॉरी 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 आलू होगा। C3 पौधे की श्रेणी में जो आता है उसको हम लोग क्या, वो कौन सा पौधा होगा, आलू होगा। और C4 की श्रेणी में जो आएगा उसको वो क्या होगा, ज्वार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम पौधे में आता है, कैम के पौधे में कौन सा आता है, ये होगा पाइन एप्पल आता है कैम के पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासाइट पौधा होता है कौन सा होता है, ओरो बंकी पौधा जो होता है वो कैसा होता है, पैरासाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरोफाइट्स में कौन नहीं आता है, ज़ीरोफाइट्स पौधे में कौन नहीं आता है, ज़ीरोफाइट्स पौधे वो होते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर होगा पटेरा या टाइफा भी बोलते हैं इसको, पटेरा या टाइफा। नेक्स्ट है, स्थिर तैरने वाले पौधे का उदाहरण नहीं है, मतलब जो स्थिर होकर तैरते नहीं है उनका उदाहरण क्या है, उनका एग्जाम्पल क्या नहीं है, का उदाहरण है लेमना नहीं है, बाकी सारे स्थिर तैरने वाले हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र तैरने वाले पौधों में कौन नहीं आता है, स्वतंत्र तैरने वाले पौधों में क्या होगा इसका आंसर, जूसिया स्वतंत्र तैरने वाले पौधों में नहीं आता है। नेक्स्ट है, अम्बिल पुष्पक्रम है किसका, धनिया का, क्यों, क्योंकि ये अम्बिलीफेरी ग्रुप की है और उसकी विशेषता होती है कि उसका जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, अम्बिल होता है। पुष्प सूत्र में द्विलिंगी का संकेत होता है, जो हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं उसमें जो बाइसेक्सुअल का सिंबल होता है वो ये होता है, बी नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स।